दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती 2023, यानी अगर कहा जाए आंगनवाड़ी के तहत आपके बीच में एक बड़ी भर्ती का ऑफर निकल कर आ रहा है, देख पा रहे हैं, जिसमें टोटल पदों की बातें कही जा रही है 51,000। ठीक है, 51,000 पदों पर भर्ती का प्रोसेस आपके बीच में आ रहा है। आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, देख पा रहे हैं आवेदन कैसे करें इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सवाल आता है कि आवेदन करने से पहले प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में आ रहा है कि आखिरकार इसमें योग्यताएं क्या रखी जाएंगे, उम्र की क्राइटेरिया हमारी क्या होगी और चयन प्रक्रिया हमारी क्या होगी, और सबसे बड़ी चीज आपके बीच में लिखी गई है वेतन को लेकर, आपकी जो सैलरी होती है वो कितनी रखी जाएगी। आप सभी को पता है जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हैं वो अपने गांव में ही उन्हें जो है इसका जो है लाभ उठाना रहता है। ठीक है, तो ऐसे में जो वेतन का जो माहौल होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो सैलरी होगी वो कितने पर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके बीच में एक पेपर कटिंग दिखाना चाहेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है आंगनबाड़ी के 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं के रिक्त 52,000 पदों पर मानदेय के आधार पर ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बारे में चयन प्रक्रिया का फिर से निर्धारण किया गया है। अब चयन के लिए पात्रता की आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच खत्म करके नई आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच तय की गई है। आप सभी को पता है पहले हम आपसे बात करें, जो आंगनबाड़ी की चयन समिति रखी गई थी उसमें जो आपकी एज क्राइटेरिया रखी जाती थी वह 21 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य रखी गई थी, लेकिन यह नई जो 52,000 आपके बीच में भर्ती आ रही है इसमें इस एज क्राइटेरिया को खत्म करके 21 से 35 वर्ष के बीच जिनकी आयु है केवल महिलाओं के लिए यह भर्ती का ऑफर है, वो 21 से 45 जो वर्ष के जो अंतर आ रहे हैं उनके लिए यह भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। आगे कहा जा रहा है इसके लिए शैक्षिक योग्यता आप देख पा रहे हैं, पहले जो भर्ती होती थी आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल जो क्वालिफाई कर रखे थे उन्हीं यह जो है आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब हाई स्कूल को समाप्त करके इंटरमीडिएट लेवल तक अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होंगे। आगे कहा जा रहा है इस बारे में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के सचिव अनामिका सिंह ने संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थिनी की आयु के संबंध में चयन के लिए हाई स्कूल की अंक तालिका व प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। 62 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उनकी मानदेय आधारित सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कहा जाए यहां देख पा रहे हैं साफ तौर पर लिखा है आप जैसे ही 62 वर्ष क्रॉस करेंगे आपका जो मानदेय दिया जा रहा है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छा, इसी के संदर्भ में एक इधर आप देख पा रहे हैं EWS का पेंच फंसा था। नीचे कहा जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती में मिलेगा EWS आरक्षण का लाभ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। बाल विकास एवं परियोजना के तहत आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने इस पदों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पुनः निर्धारण करते मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया। शासन में जनवरी 2021 से 52,000 पदों पर भर्ती निकाले थे, इस समय EWS आरक्षण का लाभ का प्रावधान नहीं था। चयन समिति ने केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं बनी जो है नतीजतन मामला कोर्ट में गया और भर्ती फंस गई। मंगलवार को विभाग के सचिव अनामिका सिंह ने शासनादेश जारी किया, इसमें SC ST OBC दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के साथ EWS का आरक्षण प्रावधान कर दिया गया। अब EWS वर्ग के तहत अभ्यर्थियों को भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए 2 साल से अटकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इधर आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपका जो आवेदन प्रक्रिया है वह प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, एज क्राइटेरिया के बारे में हमने आपको बताया 18 से आपकी 35 वर्ष जो है एज होनी चाहिए। इधर आप देख पा रहे हैं 21 से 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। योग्यताएँ आपकी हाई स्कूल के बजाय आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और चयन प्रक्रिया जो आपकी होगी वह जिले स्तर पर होगी। यह जिस जिले के आप रहेंगे उस जिले के DM की अध्यक्षता में आपका चयन प्रक्रिया किया जाए। ठीक है, तो 51,000 के लिए आपका जो आवेदन प्रक्रिया है, 52,000 के लिए आपकी जो चयन प्रक्रिया है आपके बीच में आ चुकी है। जल्द से जल्द वहां पर जाकर आप आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।